ये ऐसा कंसिस्टेंसी का है, ये ऐसा दिखेगा। सो ये बहुत ज्यादा रनी नहीं है और काफी थिक है, रनी तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी थिक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो इन टुडेज वीडियो आई वॉन्टेड टू टॉक विथ यू गाइज अबाउट दिस। दिस इज एम कैफी नेकेड एंड रॉ कॉफी फेस मास्क। सो इट इज बेसिकली अ फेस पैक एंड लाइक ऑल अदर एम कैफीन प्रोडक्ट, इट इज वीगन एंड क्रुअल्टी फ्री एंड डज नॉट कंटेन SLS एंड पैराबेन इज वेल। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो जिसको हर महीने बहुत स्ट्रगल होता है टू गो टू अ पार्लर एंड गेट अ फेशियल और क्लीन अप डन, दिस इज अ प्रोडक्ट यू कैन डेफिनेटली ट्राई बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज फ्रॉम योर स्किन एंड गिविंग यू अ वेरी इवन टोन एंड नरिश्ड स्किन इज वेल। तो इस फेस मास्क का जो की इंग्रीडियंट्स है ना, दोज आर ऑब्वियसली कॉफी, आर्गन ऑयल, विटामिन ई एंड माई फेवरेट शिया बटर। सो यू नो ऑल दीज इंग्रीडियंट्स आर रियली गुड फॉर योर स्किन। स्टार्टिंग ऑफ विथ कॉफी, वी ऑल नो दैट कॉफी इज अ ग्रेट एक्सफोलियंट and it actually helps in removing the dead skin cell from your skin. And coffee में ना एक ingredient होता है जिसे caffeine बोलते हैं, which is actually very rich in antioxidants, which actually help in fighting your skin against the free radicals in the atmosphere. So the second ingredient is argan oil, and we all know that argan oil has got anti-aging agents in it, which actually helps in reducing the fine lines and wrinkles that you have on your face. The third ingredient is vitamin E. Vitamin E is like a great ingredient which actually helps in making your skin very soft and supple and giving you that radiant finish. Now the last ingredient is obviously shea butter, as I mentioned earlier that shea butter is my favorite. So basically coffee से क्या होता है ना, क्योंकि वो आपकी skin को exfoliate करता है और आपके सारे skin के जो dead skin cell है उसको remove करता है. In that process, it also rips your skin off its natural oil. But क्योंकि इसमें shea butter है ना, it kind of helps retaining the moisture in your skin. तो जहाँ coffee आपकी skin से सारा oil निकालने की कोशिश करता है, shea butter actually helps in restoring that. So it is kind of a perfect balance of having a exfoliant and a moisturizer. Like that's great about this face mask. Now again talking about coffee, so as I mentioned earlier ki coffee helps in exfoliation, obviously coffee also helps in depuffing your skin. Like kai baar jab aap subah so ke uthte ho na to aapke skin mein bahut zyada aisa swelling hua hua rehta hoga. So if you use coffee, it actually helps in depuffing your skin and it also helps in enhancing the blood circulation. And the moment you enhance your blood circulation, you will feel that your skin gets that radiant glow back. So yeah, these were basically the key ingredients of this face mask. So the one thing that I personally like about this face mask is that the moment you use it na, aapko na instantly glow feel hoga अपने स्किन में, एंड ऑल्सो इट काइंड ऑफ मेक्स योर स्किन मोर इवन टोन्ड. लाइक इफ यू आर हैविंग दोज टैंस या ऐसा कुछ है ना, तो इट काइंड ऑफ इवन हेल्प इन रिड्यूसिंग दैट एज वेल. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो इट कम्स इन अ पैकेजिंग लाइक दिस. मेरे पास इसका छोटा ट्रैवल साइज है, पर इसका बड़ा जार भी आता है, एंड दैट ऑल्सो लुक्स लाइक दिस. वो बेसिकली इसी का लार्जर वर्जन होता है या बिगर वर्जन होता है. सो या, ऑल यू हैव टू डू इज ओपन द कैप लाइक दिस, एंड इसमें इस तरह का एक लिड भी रहता है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड. इट लुक्स ग्रे इन कलर. ओके, सो नाउ लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर स्किन. सो आई वोंट अप्लाई डायरेक्टली ऑन माई फेस, आई जस्ट शो इट ऑन माई पाम लाइक हियर. सो आप देख सकते हो ये ऐसा कंसिस्टेंसी का है, ये ऐसा दिखेगा. सो ये बहुत ज्यादा रनी नहीं है और काफी थिक है, रनी तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी थिक है. सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई दिस ऑल ओवर योर फेस लाइक दिस. इसका एक परत बेसिकली आपको अपने फेस पे लगाना है ऐसे. या सो दिस इज हाउ इट लुक्स. काफी थिक है ये. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्मेल. इट स्मेल्स लाइक चॉकलेट. वो जो डार्क चॉकलेट केक होता है ना, चॉकलेट सिरप वाला, इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दैट. So if you are a chocolate fan or a chocolate sauce fan, this is something that you should definitely try. I am obsessed with its smell. Matlab, it kind of helps you elevate your mood immediately and it almost gives you like an aromatherapy, which is just great. Yeah, I love its smell. So it smells exactly like those dark chocolate cake that you get in bakeries.
ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू यूज़ दिस फेस मास्क. तो इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है ऑन अ क्लीन फेस. मतलब आपका फेस में ऐसा मेकअप वगैरह नहीं लगा हुआ होना चाहिए, आपका फेस क्लीन होना चाहिए. एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक अ गुड अमाउंट ऑफ दिस फेस मास्क एंड इसको अपने चेहरे पर ना पूरी तरह से ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है. एंड एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि ये काफ़ी थिक है कंसिस्टेंसी में, तो इसको स्प्रेड करना बहुत ही ईजी होता है. इट्स नॉट रनी और वॉटरी कि आपका चेहरे पर ऐसे एकदम ये रन डाउन करेगा, ये वैसा नहीं होगा. इट विल स्टिक देयर और स्टे देयर. And all you have to do is wait for 10 to 15 minutes. And very important thing, do not apply it on your eyebrows, lips या eyes. ये सारा जो region है ना face का, उसको थोड़ा सा protect कर लेना. And then just wait for 10 to 15 minutes for the face mask to kind of dry or you know do its magic. And then using a lukewarm water, you just have to wash your face off and just pat dry it with a towel. And once you have actually you know patted dry your face, it's very important to you know moisturize your face. So I normally use Cetaphil ka moisturizer. So I've already made a video about that moisturizer. In case you are interested in watching that video, you can click over somewhere here. I have provided the link. You can watch the review of that you know moisturizer as well. Or you can use any moisturizer of your choice that works on your skin or face. And you just have to moisturize it. Do not leave your face just like that after you have used it. It's very important to kind of lock in the moisture. So yeah, that's pretty much it. Like once you have moisturized your skin, like you will instantly feel rejuvenated and you know very pampered, I would say. And it's a great face mask to use at least once in a week. Top isko use kar hi sakte ho. If you have oily skin, you can actually use it twice a week. However, I don't have an oily skin. My skin is from normal to dry skin type, so I use it once in a week or sometime even once in 15 days as well, depending on what your skin needs. So I've provided the complete detail of this face mask in the description box below. In case you are interested in reading more about it or knowing more about it, you can go there and read more about it. So 100 gram of this face pack cost you ₹575. However, it is available on discount on Amazon. So iska jo Amazon wala link hai na, that also I have provided in the description box below. In case you are interested in buying it, you can actually click on that link aur aap isko seedha Amazon se bhi khareed sakte ho. In case you end up buying this product, do let me know in the comments down below ki aapke liye kaise workout kiya, did you like it, did you not like it, how was your experience. Do comment down below and let me know. So I hope you found my video to be informative. If you like my video, hit the like button and don't forget to subscribe to my channel.